कितनी उम्र होगी अम्मा? 77 ये 76 क्या नाम है? विजयाबेन। विजयाबेन शू थयो, केटलो वजन उतार्यू? 3 किलो वजन चार दिवस में 3 किलो, 4 दिन में 3 किलो वजन उतारी दीदू, फेंकी दीदू। हट परे को, तू मेरे भीतर क्यों घुसा हुआ? बाबा ने मुझे रास्ता बता दिया, अब तेरे लिए मेरे भीतर जगह है नहीं है। रोगों से, बीमारियों से, विकारों से कह दो, तुम्हारे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। नो एंट्री फॉर ऑब्सिटी, नो एंट्री फॉर डिजीज, नो एंट्री फॉर नेगेटिविटी। मेरा पैर तो रात दिन दुखावा होता था, तो सब चला गया मेरे 2 दिन में। सच्ची बात बोल रही हो भैया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम व्रज कुंवर बेन। व्रज कुंवर है तो ऐसे ही हो गए जैसे व्रज में ही आ गई हो, वृंदावन में आ गई हो। मतलब व्रज कुंवर बेन, कितना दिवस से दुख तो हतो? 6 महीने से पैर दुख रहा था, रात दिन दुखता। हाँ, सो नहीं पाती थी। अया सो करियो आ जा रही थी मोटी? यहाँ सब चिकित्सालय में अच्छी चिकित्सा की, तो मैं तो खुश हो गई। मैं सबको बोलूंगी, सबको यहाँ आना। मेरे खुश हो गई, बाग हो गई। मेरी बेटी बेटियां बेटा सब अमेरिका, उसे भी बोलूंगी कि तुम भी यहाँ आओ। ये गुजरात ना लोगो घना बदे रे बार गुजरात ने पंजाब अया थी घना बदे लोग बार रहता हो यार। વિજયા બેન અને વ્રજ બેન ખૂબ રાજી છે, ખૂબ બહુત રાજી હે હમ દોનો સહેલી સાથ સાથ મેં 12 વર્ષ કે દિન સે હમ પઢી 12 વર્ષ કી ઉમર સે સાથ 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 સહેલી 100 વર્ષ સાથ રખુંગા ઓકે 100 વર્ષ 100વા વર્ષ યહી મનાયેંગે શતાબ્દી વર્ષ આશીર્વાદ દો હમ ગુજરાત સે આયે હે હા ઓર હમારી ભી કમર બહુત દુખ રહી થી अब अच्छी हो गई है। लो कमर भी सारी हो गई। हाँ, अच्छी हो गई। मैं 3 दिन से वहाँ बैठती थी, अब अच्छा, यहाँ बैठकर हो रहा है। तारपरी पर बैठती हूँ। हाँ, नीचे आ गई अब सब कुछ होता है। योग से सब हाँ, कुछ होता है। थोड़ा चलूँ तो मुझे श्वास चढ़ता था, इधर चल के सब आती हूँ। हाँ, सांस भी बंद हो गया? हाँ, सांस चढ़ना बंद हो गया, मतलब सांस तो चालू है। अब 10% है। ए 10% अपन सारू थी जैसे। हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास थी जैसे। चलो राजी रहो। एक डॉक्टर आया, उसकी इंसुलिन मैंने पिछली बार आया था तब बंद करवाई थी। कहाँ है डॉक्टर? खड़े हो ना। ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, WHO में काम करता है। हाँ, अब हमको WHO भी बदलना है, या तो WHO बदलेगा, नहीं तो नया WHO हम यही ब्रांच शुरू कर देंगे, उसकी हेड ऑफिस बना देंगे। बताओ डॉक्टर साहब, अपना अनुभव बताओ, कितना इंसुलिन लेते थे? 110 यूनिट पर डे। 110 यूनिट पर डे। अपना नाम भी तो बताओ डॉक्टर साहब। प्रमोद कुमार गुप्ता। डॉक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता, और कहाँ सेवा करते हो? मैं जिनेवा से हूँ, WHO से। WHO जिनेवा, ये जिनेवा बहुत बड़ा हेड ऑफिस है बहुत सी चीज़ों का। ये नोबेल पुरस्कार भी तो उधर से ही आता है? नहीं, ये स्वीडन से आता है। स्वीडन से आता है। अब देखो इंसुलिन 110, अब क्या हाल है साहब? अब तो 2.5 महीने से नहीं ली। 2.5 महीने से बिना इंसुलिन के जी रहे। और छुट्टी कितने दिन में थी यहाँ? 4 दिन में छूट गई थी। 4 दिन में छूट गई थी। तो डॉक्टर साहब ना बड़े श्रद्धालु है, स्वामी जी कह रहे हैं तो छूटी जाएगी, तो मन जो विश्वास है तेरा, मन माइंड थॉट प्रोसेस इज द अल्टीमेट हीलर। तो थॉट प्रोसेस ऐसा रहा, दिनचर्या ठीक की। मेरे से कल बोले बाबा जी बाकी तो ठीक हो गया, थोड़ा वजन अभी वजन कम हो गया थोड़ा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वजन ज्यादा वजन की कोई चिंता नहीं, अश्वगंधा शतावर थोड़ा ले लेंगे ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अश्वगंधा शतावर और ये इम्यूनोग्रिट पाउडर, उसमें रिद्धि वृद्धि जीवक रिश्वक मेधा महामेधा काकुली क्षीरकर, इम्यूनोग्रिट पाउडर है उसमें सब है, उसमें अश्वगंधा में शतावर भी है, जीवक रिश्वक वृद्धि वृद्धि महामेधा काकुली क्षीर काकुली शतावरी सब है उसमें, बला किलो सब। और इम्यूनोग्रिट ले लो तो इम्यूनोग्रिट से ना वेट लॉस नहीं होगा एकदम फर्स्ट क्लास। तो
लोग कहते हैं इंसुलिन बंद नहीं होता, 110 तो बहुत ज़्यादा होता है। और आपकी मैसेज भी तो आई है आज, वो नहीं आई, उसकी तरह डायरिया हो गया है। तो डायरिया हो गया, कोई नहीं, शुद्धिकरण हो गया, कोई है ना, बैठो डॉक्टर साहब। इंसुलिन बंद, बीपी की दवा बंद, शुगर की दवा बंद, यहाँ यूएस से कितने आए हुए, जरा हाथ उठाना यूएस वाले, एक तो पूरा टोला ही बैठा हुआ है, इसको देना, ये तो पूरे कुणबे को लेके आया है। कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करो। स्वामी जी प्रणाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए, अब हमारे बच्चों को भी हमारा इतिहास पढ़ाया जाएगा, वो बहुत बढ़िया बात है। सच्चा इतिहास, सच्चा इतिहास, अपना सच्चा सनातन धर्म, अपनी सच्ची संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी अपने पूर्वजों की जो पूरी ज्ञान परंपरा, ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अनुसंधान में हमारे ऋषियों की कितनी ऊंची मेधा थी। तो कल हमारे श्रद्धे एनपी सिंह साहब को सुन रहे थे तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे हमारे पास, बोले बाबा जी, फिर कुछ तो बहने मेरे से कहने लगी, बोले बाबा जी हमको ऐसा लगता है दोबारा पढ़ना चाहिए हमको। स्वामी जी बिल्कुल सही बात है, हमारी अक्सर वहाँ बात होती है कि हमारे बच्चों को हमारा इतिहास, हमें हमारा इतिहास नहीं पढ़ाया गया। कितनों को लेके आए स्वामी जी? मेरे साथ 9 लोग हैं। माता जी 3 साल पहले आई थी, यहीं बैठी हैं। अब इनकी शुगर थी 500-550 और 48 यूनिट इंसुलिन लेती थी। हाँ। माता जी और भाई साहब आए थे। खड़े हो जाओ। मामा खड़ी हो ना आप भी। कितने साल की होगी अम्मा? 76 साल की। स्वामी लो, 76 साल की अम्मा है, इंसुलिन लेती थी, इंसुलिन बंद। स्वामी जी जब यहाँ से गई तो इंसुलिन यहीं छोड़ गई, यही छोड़ के चले। तो पिछले साल मेरे को भी लेके आए तो मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था, घुटने में बड़ा दर्द था, एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ से जाने के बाद मैं वज्रासन और चौकड़ी लगा के बैठ सकता हूँ, और कोलेस्ट्रॉल की दवाई छोड़ दी मैंने। इस बार कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आया है, अपने आप ही नॉर्मल। लाइफस्टाइल से मॉडिफिकेशन कर लिया। अम्मा का शुगर ठीक, और 500 आता था शुगर, अब कितना आता है? अब 200-250 के बीच में रहता है, वो कहती है ठीक है मेरे लिए। और इंसुलिन बंद हो गई, उसके बिना 200 भी शुगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस और नॉर्मल आ जाएगा अम्मा। इम्यूनोग्रिट मधुनाशिनी मधुग्रिट, और एक बार जूस जरूर पी लिया कर, खीरा करेला टमाटर का, ये यहाँ से जाके पीती है स्वामी जी। और बीपी का, बीपी ठीक है इनका स्वामी जी। मेरे साथ मेरे बड़े भाई साहब आए हुए हैं स्वामी जी, मेरे साथ मेरे एक डॉक्टर साहब आए हैं, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है। हाँ, ये दो दो डॉक्टर, एक जवान है। हाँ। एक थोड़ा सा बड़ा, ये डॉक्टर थोड़ा मोटा हो गया है। मेरे से बोला बाबा जी खड़ा होके सर्जरी करता हूँ, वो बहुत परेशान होते। दूसरा डॉक्टर महाराज जी वो खड़े हो, दोनों ये फिजिशियन है, ये MBBS डॉक्टर है, ये सर्जन है जी। एक बेटी और आई हुई MBBS MD, अपने माता पिता को लेके आई हुई है। यहाँ कम से कम 15-20 डॉक्टर जो सात्विक डॉक्टर हैं, जिनकी सनातन धर्म में निष्ठा है, वो डॉक्टर भी योग में पूरी श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए अभिनंदन है जी। स्वामी जी मेरे साथ मेरे मौसी वहाँ अमेरिका से आए हुए हैं, छोटा भाई आया हुआ अमेरिका से, और मेरे ससुर जी आए हुए हैं पेवा से। लो पूरा कुणबा कुटुंब खानदान। एक गुड़िया भी आई हुई है जो माता जी का ख्याल रखती है, उसको भी अस्थमा था, उसको भी ले आए, वो भी ठीक हो रही है, वो भी ठीक हो रही है। चलो भाई अभिनंदन है, इसको देना डॉक्टर को, बैठ जाओ। प्रणाम स्वामी जी। ये दोनों डॉक्टर पास में आप, इन दोनों डॉक्टरों का ये जो है इंटरव्यू लेते हैं। कब ए अनुलोम विलोम करो ना डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताओ जी, यहाँ आकर के खुश हो? जी जी स्वामी। कितना वजन कम किया? 3 दिन में 2.5 किलो वजन कम हुआ है मेरा। ये तो अच्छी प्रोग्रेस है। और नाम क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहिल सोही, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ दिल्ली में। तो लंबी सर्जरीज करते करते मेरी खुद की लोअर बैक पेन स्टार्ट हो गई थी। दूसरों की करते करते अपनी करने की नौबत आ गई। जिसमें अभी काफी काफी आराम है। ऐसे ही लगे रहना डॉक्टर साहब, योग पूरा करना, ओबीसीटी वाला जी, और थोड़े दिन अनाज नमक मीठा बंद कर दो। जी स्वामी जी। है ना जी, मुर्गे की तो टांग नहीं तोड़ते हो? नहीं 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 नहीं, इंसानों की टांगे जोड़ते हैं वो। बोले तोड़ते किसी की नहीं जोड़ते। अच्छा डॉक्टर, कई बार ना ये मेडिकल कॉलेजेस में ना बच्चे दारू पीना सीख जाते, मेडिकल वाले, शराब सिगरेट और बीड़ी और क्या नाम है ये सब मांसाहार, लेकिन ये सात्विक डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है। पहले तो इसके लिए ताली बजाओ, अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, नहीं तो डॉक्टरी करके ना आदमी पता नहीं कहीं और ही कहीं खो जाता है दूसरी दुनिया में।
ये योग, अब योग कभी नहीं छोड़ना भैया। हाँ जी स्वामी जी। और 20-21 किलो वेट कम हो जाएगा? जी जी। कितना है अभी? अभी 87 था, अभी 85 है। ओह 87, काफ़ी ज़्यादा हो गया था। जी जी स्वामी जी। हाइट थोड़ी कम है ना आपकी, तो आपका तो 65 के आसपास रहना चाहिए। जी स्वामी जी। इसको देना, ये लंबा है थोड़ा। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। महाराज जी मेरे को थोड़ी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी, बट दो दिन से कल मैंने टेस्ट करवाया, फिर अपना ब्लड प्रेशर वो बिल्कुल ठीक आया महाराज जी, दो दिन में ही। दो दिन में? दो दिन में। बीपी ठीक? और बीपी की दवाई मैं ले नहीं रहा था पहले, बट फिर भी मैं जब भी टेस्ट करवाता था तो ज़्यादा आ रहा था थोड़ा। बीपी नॉर्मल आ गया, बीपी तो नॉर्मल आ ही जाता है, शुरू में कर लो ठीक उसको। जी डॉक्टर कह रहा है बीपी ठीक हो गया, अब और क्या प्रमाण चाहिए तुमको? डॉक्टर ही कह रहा है बीपी नॉर्मल हो गया भाई, बिना दवाई के। बिना दवाई के महाराज जी, बस योग से और जो डाइट दिया आपने उससे महाराज। और पॉजिटिविटी है? पॉजिटिविटी बिल्कुल महाराज जी, आपका आशीर्वाद है साथ में। अभी इसकी जो बड़ी बड़ी माता है मेरे से बोले बाबा जी मुंडे ने आशीर्वाद दे दो शादी हो जाए, तो अभिनंदन है ऐसे डॉक्टरों का भी जो योग करते हैं, और अपने पेशेंटों को भी योग एडवाइस करना डॉक्टर साहब। बिल्कुल महाराज जी 100%। चलो आशीर्वाद। और एक डॉक्टर MBBS MD डॉक्टर, एक और बेटी आई हुई है, क्या नाम है? साक्षी गुप्ता, उसको भी। हाँ मैया तू भी बता। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम मैया। मेरा नाम मनमोहन कौर है जी, तो मेरे को बीपी 15-20 साल से था। हाँ। और 62 mg की सुबह गोली खाती थी एल्मिसार्टन, और रात को एमलोडिपिन 5 mg खाती थी। आज चौथा दिन है, मेरे को दवाई भूल ही गई है, मैं साथ में लाई हुई हूँ बट खा ही नहीं रही। और बीपी है ही नहीं ठीक बिल्कुल। दवाई भूल गई। हाँ जी हाँ जी, दवाई भगवान करे दवाइयाँ भूल ही जाए सब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपका बहुत आशीर्वाद है आपको, और वाहेगुरु चढ़दी कला बख्शे, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, बोले सोनिहाल श्री अकाल। धन्यवाद बाबा जी। मेरा नाम JK पटनायक, मैं मुंबई से आया हूँ, मैं चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिटायर्ड हूँ। इधर आके मुझे बहुत अच्छा लगा और फ़र्क पड़ा, बहुत अच्छा जगह है ये, पैराडाइज जैसा है। और मेरा जो प्रॉब्लम था लाइक गैस्ट्रिक, वो अभी 80% अभी ठीक हो गया है, और बाकी मुझे घर में फॉलोअप करना है। और मुझे ये अनुरोध करना है आप सबसे कि आपको कोई भी तकलीफ़ हो, आपकी कोई बीमारी तकलीफ, असाध्य बीमार भी इधर लोग को ठीक हो जाते हैं, और इसलिए मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप इधर आके ज़रूर ट्राई करें। मेरा नाम बजरंग लाल शर्मा है, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, और मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस प्रॉब्लम था, वहाँ पे मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट लिया, मुझे रिलीफ कम था, लेकिन मैं पतंजलि वेलनेस में आया और यहाँ पे मुझे ट्रीटमेंट ट्रीट किया गया, और अब मेरा मतलब बीमारी काफ़ी मतलब रिलीफ है मुझे। मेरा नाम बुद्धि प्रकाश है, मैं राजस्थान के झुंझुनू ज़िले का रहने वाला हूँ, मुझे कमर दर्द और मोटापे की समस्या थी, मैंने यहाँ 7 दिन ट्रीटमेंट लिया, यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है, यहाँ का ट्रीटमेंट थेरेपी और जो थेरेपी करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने व्यवहार किया, मैं आगे ट्रीटमेंट से संतुष्ट हूँ। और मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर से बच के यहाँ आयुर्वेद का, यहाँ के वातावरण का, योगा वगैरह का, इनका अभ्यास करें और यहाँ आएँ आप। मेरा नाम विजय कंडारी है, और ये मेरी वाइफ चय धवन कंडारी है, इनको लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हुई थी 1 साल पहले, और काफ़ी परेशान रहते हम लोग, जैसा कि डॉक्टर ने बता दिया था कि इनको विल्सन डिसीज़ थी जिसकी वजह से लीवर सिरोसिस हुआ था, फिर इनको ट्रांसप्लांट के लिए ही डायरेक्ट बोल दिया था कि ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन है, बाकी तो और कुछ नहीं है। तो हम लोग काफ़ी परेशान हैं, हम लोग ट्रांसप्लांट के लिए भी सारे प्रोसेस कराने लगे, लेकिन कहीं से हमको फिर कांटेक्ट हुआ कि पतंजलि में एक बार जाके दिखाइए, तो हम लोग इधर आए, फिर यहाँ पे कुछ दिन रहे, बाबा जी ने मार्गदर्शन किया, फिर उसके बाद कनक सोनी और पूर्वा सोनी डॉक्टर के थ्रू हम लोगों ने उनकी प्रॉपर मेडिकेशन में, फिर उन्होंने योगा बताया, सब कुछ बताया, उनके मतलब पूरा उनकी देख रेख में ही इनका इलाज चला है।
तो आज ये कंडीशन है कि अब ये प्रॉपर बिना ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है और ये नॉर्मल लाइफ बिता रही हैं, प्रॉपर योगा करती हैं, प्रॉपर खान पीन पे ध्यान रखती हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आज के इन दिनों में खान पीन, योगा हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहिए और बाहर के खाने को अवॉइड करिए। मेरा नाम मौमिता जाना, मैं अहमदाबाद से आए हैं और मेरे बीमारी बचपन में मेनिनजाइटिस था, लेकिन वाटिंगो भी 2015 में हुआ, उसको मैं योग से ही क्योर कर दिया। ब्लड प्रेशर वो भी क्योर किया और एसिडिटी वो भी क्योर कर दिया। रामदेव बाबा जी के प्रेरणा से और उनके योगा से ही सब कुछ कर पाए। मैं इतना मतलब डिप्रेशन में थी, लेकिन धीरे धीरे मैं सब कुछ 2020 में कोरोना आने के पहले ही हम ठीक कर लिया। अभी अच्छा से चल सकती हूँ, बोल सकती हूँ, अभी सब कुछ कार ड्राइविंग कर सकती हूँ, सब कुछ योगा से ही मुझे फ़ायदा मिला इतना। मेरा नाम विनोद शाह है और मैं नेपाल बारा जिला कलैया से आया हूँ और इससे पहले मैं 2016 में भी आया था, ग्लैंड टीबी हुआ था तो ट्रीटमेंट कराया था फेज वन में, तो वहाँ से वैद्य जी ने दवाई वगैरह दिए थे, तो गिलोयघनवट्टी, कायकल्पट्टी और कपालभाति अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, भस्त्रिका और ये सब करते करते मैंने अपने ग्लैंड टीबी को कंट्रोल कर लिया। पहले कितना भी किचन में मिर्ची जलता था तो छींक नहीं आता था मुझे और मेरा पूरा बॉडी सेल्स जो है डिजेनरेट हो गया था, थोड़ा दो कदम दौड़ भी नहीं पाता था मैं। और जैसे खेत का जो धान का जो बोझा बांधते हैं किसान, उसी तरह पूरा बॉडी को मेरा बांध दिया था, तो लगता था कि मतलब गले में नीचे चार पांच ईंटा लटकाया हुआ है। और योग प्राणायाम से और गिलोय घनवट्टी, कायकल्पट्टी, गिलोय जूस, एलवीरा जूस और आंवला जूस से मैंने इसको ठीक किया। और 2021 में मुझे दूसरा कोविड हो गया था डेल्टा। पूरा दुनिया में सिलेंडर ऑक्सीजन का हाहाकार मचा था, उस टाइम मुझे डेल्टा हो गया था और मैंने हिम्मत नहीं हारा और मैं बीवी बच्चे को भी ये बात नहीं बताया, लेकिन अपना डिस्टेंस कायम रखा, दूसरे रूम में सोता था और वो लोग को नहीं। 17 दिन तक नाक से सुगंध मेरा गायब हो गया था, लेकिन महाराज जी बोलते थे कि भस्त्रिका करने से, फास्ट भस्त्रिका, तो मैं फास्ट भस्त्रिका के साथ साथ कपालभाति अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत सब करता था और खाना आधा कर दिया था, तीन टाइम में प्राणायाम करता था और जो भस्त्रिका मैं करता था कंटिन्यू 5 मिनट करता था इस टाइप से, तो मेरा बॉडी का ऑक्सीजन मेरा कभी कम नहीं हुआ और 17 दिन में कोरोना वायरस का मर गया। और उस दिन 17 दिन में मेरे नाक में सुगंध आया। तो मैं यही बोलूँगा कि पूरा विश्व आज योग को मान गया है और महाराज जी के कृपा से, आचार्य जी के कृपा से योग आयुर्वेद पूरा दुनिया में हो रहा है। जो आदमी योग प्राणायाम नहीं कर सकते उनके लिए दावा है, जो योग प्राणायाम कर सकते हैं महाराज जी बोलते हैं कि उससे वो निरोग रहेंगे और बड़े से बड़े बीमारी ठीक हो जाएगा। यहाँ पांजली योगपीठ में 4 बार आ चुकी हूँ। 2022 नवंबर में मुझे ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिसको जून 2023 में मैंने ठीक कर लिया और सिस्टोग्रिड और सारी जितनी भी दवाइयाँ हैं, वृद्धि वाटिका वट्टी, कचनार, गुग्गल, ये सब मैं खाती रही और योग और प्राणायाम करती रही। मैं सुबह शाम रोज़ 1-1 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम करती हूँ, उसी से ही मेरा कैंसर जल्दी ठीक हो गया।
और मेरा पूरा परिवार है वो सारा पांतजलि के प्रोडक्ट यूज करता है। मैं कोई अंग्रेजी गोली नहीं लेती हूँ और आज मैं स्वस्थ हूँ और सभी को योग करना चाहिए। योग से ही आदमी स्वस्थ रहता है, उसे बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता और अंग्रेजी दवाई से वो बचा रह सकता है। मैं आर्मी से रिटायर्ड कर्नल हूँ, मेरा नाम है कर्नल एम के जोशी। मेरे को 2018 में रिटायरमेंट से एक साल पहले रेक्टम और कोलोन का सिग्मोइड कोलोन का कैंसर डायग्नोस हुआ था, और जबकि मैं किसी तरह का गलत खान पान में नहीं था और रेगुलर मैराथन रनिंग करता था, किसी तरह की शरीर में कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर था कि मुझे ये बीमारी आए। और ये बीमारी आई उसके बाद मेरे स्टूल में जब ब्लड आना शुरू हुआ और स्टूल की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, उस टाइम पर मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके बाद जब मैंने इसका चेकअप कराया, कोलोनोस्कोपी से पता लगा कि कैंसर रेक्टम में शुरू होके, मिड रेक्टम से शुरू होके और सिग्मोइड कोलोन में स्प्रेड हुआ था। तो उसके बाद मैं, हमारा जो आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है रिसर्च एंड रेफरल, वहाँ मैंने 10 महीने तक ट्रीटमेंट लिया, मई 2018 से लेकर के मार्च 2019 तक। और इसमें मेरी 8 कीमोथेरेपी हुई, 2 मेजर सर्जरीज हुई और 5 रेडिएशन हुई। लेकिन जो मैं आस्था के माध्यम से और पतंजलि के माध्यम से जो संदेश सबको देना चाहता हूँ वो ये कि क्योंकि मैं 2007 से योग से जुड़ा हुआ हूँ, तो इस वजह से बीमारी ये किसी को भी आ सकती है, लेकिन क्योंकि मैं इतना योग करता था, 2-2 घंटे सवेरे शाम कपालभाति अनुलोम विलोम करता था, उसी का नतीजा है कि मैं इस बीमारी से जल्दी निकल गया और जो ट्रीटमेंट मेरा हुआ उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए। कैंसर में बहुत आम, ये बहुत रेयर बात है कि आपके बाल ना गिरें, आपको कोई और, आपकी किडनी, लीवर, पेनक्रियाज या आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। ट्रीटमेंट ज़रूर 10 महीने बहुत सख्त रहा, उस बीच में मेरा वजन भी 10-15 किलो घट गया था, लेकिन मैंने अनुलोम विलोम कपालभाति तब भी नहीं छोड़ा। मैं हॉस्पिटल में बैठकर आस्था चैनल में ये सवेरे शाम करता था, और इसलिए, और दूसरा क्योंकि वो आपको एक आत्मिक शक्ति देती है योग, और वैसे भी फौज में होने के कारण मैं मेंटली बहुत टफ था, तो इसलिए मेरे दिमाग में एक जिद थी कि मैंने इस बीमारी को जीतने नहीं देना है। तो यही हुआ और मैं उस बीमारी से निकल गया, और आज स्वामी जी की कृपा से, भगवान की कृपा से 4 साल हो गए हैं, अभी तक बीमारी ने दोबारा दस्तक नहीं दी है। मेरा नाम राजश्री है, मैं मुंबई से आई हूँ। मुझे फाइब्रॉइड्स हैं और थायराइड की प्रॉब्लम है, जिससे मेरा वज़न बहुत बढ़ गया था और कोई भी कोशिश करने से मुंबई में कम नहीं हो रहा था। फिर हम बाबा जी को रोज़ सुनते हैं टीवी पे, तो हमने सोचा कि उनकी थेरेपीज़ को लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए थे। 10 दिन हमने थेरेपी करी है और मेरा 5 किलो वज़न कम हो गया है और मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है अंदर। इंटरनली मुझे डिटॉक्स होने के बाद में बहुत लाइट महसूस हो रहा है और काफ़ी रिलीफ मिला है। मैं चाहूँगी कि मैं थेरेपीज़ वापस लूँ, 6-8 मंथ्स में इसको कंटिन्यू करूँ और इस आयुर्वेदिक उपचार का, नेचुरोपैथी उपचार का और भी लोगों को बताऊँ। मैं नितिन टेलर, इंदौर से, पेशे से मैं कंपनी में फाइनेंस मैनेजर हूँ। मैं यहाँ महाराज जी से अपनी शुगर संबंधित समस्या का निवारण के लिए आया था। यहाँ आके मुझे अपनी समस्या में 50% फ़ायदा मिला और मैं यहाँ आकर अपनी थेरेपी, अपना उपचार कराकर। मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं राजस्थान झुंझुनू जिला उदयपुर वाटिका रहने वाला हूँ। मेरी किडनी और लीवर में खराबी थी, अब यहाँ आने के बाद के अंदर कुछ अच्छा हुआ है मेरे को, और यहाँ के थेरेपिस्ट थे वो बहुत अच्छे थे, अच्छा काम कर रहे थे। और मुझे यदि कोई ऐसा बीमारी हो किसी के, तो यहाँ पतंजलि योगपीठ में आएं और अपना इलाज करें।